Y él me inquietó. On action of ear. Ear के action में पे. अगर ear के प्रेजेंस में क्या हो जाता है बाबू? On ऑन एक्सपोजर टू एयर, जब एयर में इसको छोड़ देते हो, जब बाथिंग सोडा को एयर में लिफ्ट कर दिया जाता है, ऑन एक्सपोजर टू एयर बाथिंग सोडा क्रिस्टल लूज 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड टू फॉर्म मोनोहाइड्रेट. क्या बनाता है बाबू? एंड टू फॉर्म ए क्रिस्टलाइजेशन. क्या होता है? क्या होता है? एंड टू फॉर्म ए मोनोहाइड्रेट. मोनोहाइड्रेट मोनोहाइड्रेट विच इज वाइट इन पाउडर. Which is white in powder. Which is white in powder. Is छूट गया जी. Is छूट गया. बार बार is बोल रहे लेकिन लिखने. White powder लिख लो. देखो बाबू क्या कहता है. ये क्या लिख दिया? बासिंग सोडा क्रिस्टल क्या करता है? लूज. तो देखो Na2CO3 × 10 H2O यही है ना. अब देखो बाबू जिसको हम एक्सपोज्ड टू एयर, एयर में फुला छोड़ दिया जाता है. एक्सपोज्ड टू एयर, जब एयर में छोड़ दिया जाता है बाबू तो क्या बनता है? Na2CO3 × H2O क्या बनता है? ये मोनोहाइड्रेट होता है. क्या बाबू? प्लस में कितने मॉलिक्यूल्स बाहर आते हैं? 9 मॉलिक्यूल्स वाटर का क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है. तो देखो ये मोनोहाइड्रेट होता है. मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट. यही रीजन है कि जब आप लोग डिटर्जेंट को खुले में छोड़ देते हो तो क्या होता है? वो एक टाइप का सभी के सभी एक क्या बोले उसको, सभी एक साथ हो जाते हैं और वो सभी के सभी क्या हो जाते हैं? एक साथ आ जाते हैं. क्या होता है? वो एयर के साथ क्या कर जाता है? एक्सपोज कर जाता है और सब एक सॉलिड बन जाता है. आपका बासिंग सोडा क्या बन जाता है? डिटर्जेंट एक सॉलिड का रूप ले लेता है. बी में ऑन एक्शन ऑफ हीटिंग. ऑन एक्शन ऑफ हीटिंग नहीं बाबू, हीट. अब बासिंग सोडा का हीट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है बाबू? ऑन हीटिंग बासिंग सोडा. सॉरी एक चीज छूट गया बाबू. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? द
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इफ्लोरिसेंस इफ्लोरिसेंस का मीनिंग क्या होता है बाबू? मीन्स माइग्रेशन ऑफ सॉल्ट, माइग्रेशन ऑफ सॉल्ट का माइग्रेट करना। अगर सॉल्ट माइग्रेट करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इफ्लोरिसेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इफ्लोरिसेंस। तो कहा कि बताइए कि फ्लोरेसेंस प्रोसेस क्या है, तो बता दीजिएगा। चलिए अब आइए ऑन एक्शन ऑफ हीट, हीट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? बी में लिखिए ऑन एक्शन ऑफ हीट, हीट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है बाबू? ध्यान दीजिए, हीट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा लूजेज ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड बिकम टू फॉर्म एनहाइड्रस। फिर से क्या बन जाता है बाबू? एनहाइड्रस बन जाता है। क्या बन जाता है? एनहाइड्रस। अब बताओ, ध्यान दो, Na2CO3 × 10H2O सॉलिड फॉर्म में होता है ना, जब इसको क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। तो Na2CO3 सॉलिड और प्लस और जितने के जितने वाटर है सभी के सभी क्या हो जाएंगे? लूज हो जाएंगे, तो क्या कहलाएंगे? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट इसको क्या कहेंगे बाबू? हाइड्रेटेड वॉशिंग सोडा। हाइड्रेटेड मीन्स प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाइड्रेटेड मीन्स प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाइड्रेटेड मीन्स प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो देखो, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था ना, कि जब हम वाटर को क्या कर देते, जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो सभी के सभी मॉलिक्यूल्स वाटर के क्या हो जाते हैं आपका? अब इस प्रॉपर्टी सेकंड क्या कहता है? इट इज ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। थर्ड में इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में क्या होता है? सॉल्युबल होता है। देखो, इट टर्न, हमको आई लिखने में प्रॉब्लम होता है बाबू, इट टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू। पचमा में क्या आता है? इट हैज
डिटर्जेंट प्रॉपर्टी बिकॉज, इसको हम डिटर्जेंट प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं बाबू? देखो इसको डिटर्जेंट प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कैन रिमूव ग्रीज और डैट पार्टिकल फ्रॉम डर्टी क्लोथ। अगर आप डर्टी क्लोथ है बाबू तो डर्टी क्लोथ से क्या करता है, जो ग्रीज वगैरह होता है या डट पार्टिकल होता है उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो ये आपका क्या हो गया बाबू, बासिंग सोडा का प्रॉपर्टी हो गया, ये उसके गुण हो गए, प्रॉपर्टी हो गए। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है? अब बासिंग सोडा का यूज कहाँ किया जाता है, बात बात आती है ना, बासिंग सोडा को यूज क्यों करते हैं? यूज करते हैं पहला यूज करते हैं यूज ऑफ बासिंग सोडा, लिखो यूज ऑफ बासिंग सोडा। बासिंग सोडा का यूज कहां किया जाता है बाबू? पहला जो प्रोसेस है बाबू, इट इज यूज इन क्लिंसिंग एजेंट, क्लिंसिंग एजेंट यानी धोने में इसको यूज किया जाता है। सेकंड जो इसका यूज किया जाता है इट इज यूज इन रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो वाटर हार्ड होते हैं बाबू, हार्ड मीन्स क्या, हार्ड क्यों कहा जाता है, उसमें क्या होता है, आपके आयरन प्रेजेंट होते हैं, आपके अगर वाटर में क्या होते हैं, आयरन प्रेजेंट होते हैं, तो उस आयरन को रिमूव करने के लिए हम बासिंग सोडा का यूज करते हैं। फिर क्या कहता है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप, सोप पेपर एंड बोरेक्स कास्टिक सोडा। बस इसको खाली याद रख लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ बोरेक्स कास्टिक सोडा को याद कर लीजिएगा, इसके बारे में ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ना नहीं है। तो क्या हो गया बाबू, कहां यूज किया जाता है अब बताओ? इट इज सोल्युबल इन वाटर, ये तो वाटर में क्या होता है, सोल्युबल होते ही है, इसी तो बता दिए, तो प्रॉपर्टी हो गया बाबू। नहीं छोड़, फोर्थ प्रॉपर्टी लिखिए, इन टेक्सटाइल एंड पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम आपका बनता है उसको रिफाइनिंग में इसका यूज किया जाता है बाबू। अब लिखिए बाबू, अगला जो पॉइंट है, अब आगे है लिखिए बेकिंग सोडा क्या होता है। बेकिंग सोडा
देखो बेकिंग सोडा इज ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ केमिकल फॉर्मूला, विथ केमिकल फॉर्मूला Na2CO3 इंटू 10H2O, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बाबू? Na2CO3 इंटू 10H2O। बेकिंग सोडा होता क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जिसका फॉर्मूला Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। अब देखो बाबू, ये आपका इट इज ऑल्सो कोल्ड, इसको और नाम से जाने जाते हैं, इट इज ऑल्सो कोल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। अब हम बेकिंग सोडा को बनाते कैसे हैं, बहुत दीजिए बाबू, बेकिंग सोडा आपको पढ़ा दिए, आपको बता दिए हैं, बेकिंग सोडा में ही बता दिए हैं। तो देखिए मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग सोडा, आप घर में भी बना सकते हो बाबू, मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग सोडा घर में भी बना सकते हो, तैयार करके देखना कि कैसे बनता है मैन्युफैक्चरिंग बेकिंग सोडा कैसे बनता है, घर में बना के देखिएगा, और नहीं तो कहिएगा, अगर नहीं बनेगा तो मेरे को आगे चप्पल से मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं। वहां पहला, ऑन लार्ज स्केल कहने का मतलब, अगर लार्ज अमाउंट में बनाना है बाबू, बहुत सारा ढेर सारा अगर आपको बेकिंग सोडा तैयार करना है, तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस अप्लाई करते हैं? तो उसके लिए प्रोसेस आजकल अप्लाई करते हैं बाबू, सोडियम क्लोराइड। बेकिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड इन ए लार्ज स्केल बेकिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज स्केल। अब लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं बाबू? देखो बाय रिएक्टिंग कोल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड, अगर लार्ज स्केल में बनाना है तो सोडियम क्लोराइड को अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसके साथ? टू ऑब्टेन, टू ऑब्टेन बेकिंग सोडा, टू ऑब्टेन बेकिंग सोडा। तो ध्यान दीजिए बाबू, अब यहां से ये तो बताए थे NaCl प्लस, वाटर लेते हैं बाबू, प्लस में NH3 ले लेते हैं बाबू, प्लस में CO2 गैस ले लेते हैं,
क्या बनेगा बाबू? NaHCO3 बन जाएगा, प्लस में NH4Cl बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा बाबू। ये सॉलिड फॉर्म में होगा बाबू, अमोनियम क्लोराइड। और इसी का नाम क्या है? बेकिंग सोडा। चलो बाबू बी में देखो, ऑन अ स्मॉल स्केल हम क्या बताए? आप घर में भी बना सकते हैं, तो कैसे बनाओगे? बेकिंग सोडा कैन बी प्रिपेयर्ड, कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। इन लेबोरेटरी कैसे बनाते हैं? बाईपासिंग CO2 गैस थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्या लेते हैं बाबू? सोडियम क्लोराइड ना लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट बाबू, क्लोराइड नहीं। अगर स्मॉल अमाउंट में बनाना हो तो सोडियम कार्बोनेट का हेल्प लेंगे, अगर लार्ज अमाउंट में बनाना हो तो सोडियम क्लोराइड का हेल्प लेंगे। तो देखो Na2CO3 होता है, अब प्लस में हम वाटर बोल लेते हैं, तो वाटर ले लेते हैं और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी ना, तो क्या देगा? NaHCO3 देगा। बैलेंस है बाबू, सोडियम दो सोडियम वन, बेकिंग सोडा या यही पे लिख देते हैं और करके दिख जाना चाहिए। Na2CO3 एक्वस प्लस CO2 बेकिंग सोडा बाबू। तो आपका मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग सोडा था बाबू। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग को टेंशन नहीं लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल द बेस्ट।